दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस, जिनकी कंपनी अमेज़न ग्लोबली ट्रिलियन डॉलर का कारोबार कर रही है, वे सिर्फ पृथ्वी पर बादशाहत कायम कर शांत होने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। अब बेजोस की निगाहें चांद पर हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, चांद पर हैं। इसके बारे में खुद जेफ बेजोस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले सालों में उनकी दूसरी कंपनी मिशन मून पर फोकस करेगी। उनका टारगेट सिर्फ चांद पर पहुंचना नहीं है, बल्कि उसकी मदद से कई नई चीजों को अंजाम देना है। बेजोस ने खुद इसकी जानकारी अमेज़न रीमार्स नाम के इवेंट में दी। पहली बार चांद पर इंसान जो पहुंचा था, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। करीब 50 साल पहले 1969 में पहुंचे थे नील। अब बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन चांद की तरफ बढ़ना चाहती है। अमेज़न के मालिक ने कहा कि ऐसा धरती को बचाने के लिए किया जाएगा। अमेज़न रीमार्स कार्यक्रम में बेजोस ने कहा कि अगर समाज संस्कृति को बचाए रखना है तो चांद की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने बताया कि चांद की बर्फ को पीने के पानी और खाने के सामानों को उगाने के लिए काम में लाया जा सकता है। इसके अलावा उसे रॉकेट को चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बेजोस ने आगे कहा, चांद सिर्फ 3 दिन की दूरी पर है और उससे आगे जाने में और भी कम वक्त लगेगा, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी बहुत कम होती है। इसकी वजह से आगे जाने में कम ताकत या शक्ति लगानी होगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 1 पाउंड को उठाने में जितनी ताकत पृथ्वी पर लगती है, चांद पर उससे 24 गुना कम ताकत लगानी होती है। अमेज़न के मालिक ने आगे कहा कि अंतरिक्ष में बड़ी चीज करने के लिए हमें अंतरिक्ष के ही साधनों का इस्तेमाल करना होगा और चांद उनमें सबसे अच्छी जगह है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी कंपनी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले खबरें आई थी कि अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस 2024 तक लोगों को चांद पर भेजना चाहते हैं। तो इंतजार रहेगा हमें भी और आप लोगों को भी कि आने वाले समय में हम कब तक चांद के लिए ट्रिप पर जा सकेंगे।